सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। वेट करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये POS में सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए SOP से जस्ट रिवर्स लिखेंगे। A बार यहाँ लिखेंगे और A को इसमें लिखेंगे। ग्रुपिंग आप लोगों ने देख ली कि ग्रुपिंग हमने किस तरह से करी हुई है। अब इस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हम लोग टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स लिखेंगे तो क्या है, जैसे कि देखिए ये जो ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप जो बन रहा है, ये ग्रुप कहाँ से बन रहा है, एक ये है और एक 8 4 का ये है, टोटल 8 का ग्रुप बन रहा है। तो इट मीन्स कि इसका टर्म जब हम लिखेंगे तो इसमें हम ए वाले वेरिएबल को नहीं लेंगे, बिकॉज हमने दोनों के मैप में ग्रुपिंग करी हुई है। तो अब इसका क्या बनेगा देख लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये वर्टिकल के दोनों वेरिएबल्स कॉमन आएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, और क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इसके अक्रॉस D+E लिखेंगे हम लोग जब POS में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यहां पर क्या आएगा, D+E का बार, ऐसे ही यहां पर आएगा D+E का बार, और यहां पर आ जाएगा D+E। तो पहला टर्म हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, जब हम y इक्वल्स टू लिखेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा D+E। ठीक, ये आ गया पहला टर्म। दूसरा 8 का ग्रुप जो हमारा बना है वो है कॉर्नर्स वाले जीरोस का बना हुआ है। तो कॉर्नर वाले जीरोस को देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ये कॉलम देखेंगे, एक ये कॉलम देखेंगे, सिमिलरली एक रो ये देखेंगे और एक रो ये देखेंगे। तो ये जो ऊपर वाले दोनों कॉलम से, यहां से क्या वेरिएबल आएगा, ई आएगा, और इसी तरह ये नीचे जो रोज हैं, रोज में से जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो C+E आ जाएगा अगला टर्म। ठीक, दो हो गए। इसके बाद में फिर एक ग्रुप हमारे पास जो बना हुआ है वो 4 का ये बना हुआ है। ठीक, एंड दिस ग्रुप इज, ये जो ग्रुपिंग की है दिस इज डन इन ओनली दिस के मैप। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ए बार का टर्म हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा पहला टर्म ए बार, फिर प्लस बाकी क्या होगा, वर्टिकल कॉलम से कुछ भी नहीं आएगा, ये हॉरिजेंटल कॉलम से वेरिएबल्स लेंगे। हॉरिजेंटल कॉलम में वेरिएबल क्या आएंगे, आप लोग वेरिएबल्स तो लिख लेंगे ना, कि लिख दें, लिख लेंगे सर। लिख लोगे ना, क्योंकि अगर सर लिखने बैठेंगे तो भी, ये के मैप में समस्या यही है कि ऑनलाइन में बोर्ड में पढ़ाने में बहुत दिक्कत है के मैप। ठीक, वेरिएबल्स इसी तरह से लिखे जाएंगे जैसे ये ऊपर वाली रो में लिखे हैं, सेम वेरिएबल्स यहाँ ऊपर वाली रो में आ जाएंगे, और डी और ई की जगह पर BC लिख देंगे तो यहाँ के वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका टर्म लिखते हैं जो ये वाला टर्म है हमारा फोर्थ, ये वाला 4 वेरिएबल का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस रो से वेरिएबल्स आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू B+C होगी इस रो में। तो हम यहां ए बार के साथ में B+C लिख देंगे, ये टर्म हो गया। अब अगला जो ग्रुप है हमारा वो क्या है, 1 0 ये है और 1 0 ये वाला है, इन दोनों का ग्रुप बनेगा। अब इन दोनों का ग्रुप, क्योंकि अब अगेन हम दोनों के मैप से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो ए वाला वेरिएबल नहीं आएगा इस टर्म में भी। वेरिएबल्स क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे इस वाले कॉलम से और इस वाले रो से। तो इन दोनों कॉलम में देखेंगे तो क्योंकि एक ही जीरो है तो वेरिएबल्स सभी आ जाएंगे, जैसे कि यहां से जो आएगा B+C बार, B+C बार आ जाएगा इस रो से, और इस कॉलम से क्या आ जाएगा, D+E बार।
ठीक है, ये हमारे पास में अब कंप्लीट आंसर आ गया। देखिए कोई चीज छूटी हो, कोई टर्म छूटा हुआ हो या कुछ आपको डाउट लग रहा हो के मैप में तो बताइए। आ गया सर, आ गया। और किसी को कोई समस्या हो? सर फाइव वेरिएबल सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर, दो मिनट में सर लगेगा। फाइव वेरिएबल ही तो बता रहे थे। अभिषेक? यस सर। ये फाइव वेरिएबल ही बताया है, अब बताइए आपको कहां पर दिक्कत हो रही है। सर बी सी और सर फाइव वेरिएबल है तो सर दो बी सी और डी ई सर एक बच जा रहा था तो उससे सर कैसे आपने किया ए और ए डैश को? देखिए ए एक जो के मैप बनाते हैं उसमें हम ए को कॉमन लिखते हैं और जो दूसरा के मैप बनाते हैं उसमें ए बार को कॉमन रखते हैं। इस तरह से ये पांच वेरिएबल्स यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं। बोर्ड को क्लियर कर दें। देखिए यस सर, ये यस सर क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये हम जो के मैप बनाते हैं अगर हम पीओएस की बात कर रहे हैं तो ये पहला वाला के मैप ए के लिए और ये दूसरा वाला के मैप हम बनाते हैं ए बार के लिए। ठीक, अब अगर हम सिर्फ इसी के मैप में ग्रुपिंग करेंगे तो ए वाले वेरिएबल को हम लिखेंगे और बाकी जो कॉमन रो और कॉलम से आएंगे उन वेरिएबल्स को लिखेंगे और ए को भी लिखेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऐसा फॉर्म हो रहा है जिसमें यहां से भी हमने ये जीरोस लिए कलेक्ट किए और यहां से भी किए तो उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू यहां पर डिफरेंट है और यहां पर डिफरेंट है तो हम ए को कॉमन कभी नहीं लिखेंगे। हम वेरिएबल्स वही लिखेंगे जो रो और कॉलम से कॉमन आ रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो ग्रुप फॉर्म हुआ ये चार जीरो का और चार जीरो ये, टोटल कितने का ग्रुप बन गया, आठ का। अब क्योंकि इसमें हमने दोनों के मैप्स, ये भी के मैप यूज किया, ये भी के मैप यूज किया, इसलिए इसका जो टर्म लिखेंगे उसमें हम ए की वेरिएबल को नहीं लिखेंगे और ए को नहीं लिखेंगे तो हम रो और कॉलम से देखेंगे कि क्या वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं। तो रो क्योंकि ये चारों अरेंज हो रही हैं यहाँ पर, चारों यूज हो रही हैं तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम से कॉमन वेरिएबल्स निकलेंगे। और कॉमन वेरिएबल्स क्या निकलेंगे यहाँ से, डी प्लस ई, क्योंकि यहाँ इसके करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होंगे वो होंगे डी प्लस ई, इसलिए इसका जो टर्म लिखा जाएगा वो डी प्लस ई लिखा जाएगा। ऐसे ही जब हम मान लीजिए सिर्फ इसी के मैप में कोई ग्रुप कर रहे हैं या सिर्फ इसके मैप में ग्रुप कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि क्या ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये चार का जीरो का बन रहा है, अगर हम इस ग्रुप को देखेंगे तो इस ग्रुप के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर चारों जीरोज नहीं है, अगर चारों होते तो ये भी आठ का बन जाता और यहाँ पर सिर्फ चार है तो इसलिए ये चार का जो के मैप बनेगा, ग्रुप बनेगा, ये सिर्फ इस के मैप में बनेगा। और जब इस के मैप में बनेगा तो इस के मैप के करेस्पॉन्डिंग हमने वेरिएबल क्या लिखा था, ए बार। तो यहाँ पर पहला टर्म तो ए बार आ ही जाएगा क्योंकि दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड इन ओनली दिस सिंगल के मैप, तो ए बार आ जाएगा। प्लस बाकी के जो वेरिएबल्स आएंगे वो हम रोज और कॉलम्स में से देखेंगे, तो रो हमारे पास में सिर्फ ये एक है और कॉलम हमारे पास में एक दो तीन चारों हैं, तो कॉलम से यानी डी और ई वेरिएबल यहाँ पर से नहीं आएगा कॉमन। कॉमन क्या आएगा, सिर्फ इस रो में से। इस रो में वेरिएबल्स क्या क्या होंगे यहां पर देख लेते हैं, बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी बार होगा, थर्ड वाले रो में बी बार प्लस सी बार होगा और फोर्थ वाले में बी बार प्लस सी होगा। तो यहां से वेरिएबल क्या कॉमन आया, बी बार प्लस सी, तो ये हम इसका के मैप इसका टर्म लिख देंगे। और अभिषेक बताओ और क्या समस्या है, ग्रुपिंग हमने बता समझ गया, समझ गए हैं। नंबरिंग में कोई दिक्कत है? नो सर, सर इंडिविजुअली जब उससे लिखेंगे तब ए और ए डैश का सर उससे यूज करेंगे। जब इंडिविजुअली मान लीजिए सिर्फ इस के मैप में ग्रुप बना है कोई तो हम ए को लिखेंगे यहां पर से, और जब सिर्फ इसमें बना हुआ है तो ए बार को लिखेंगे। लेकिन जब दोनों के मैप को यूज करके ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको ये बताया कि ये आठ का बन रहा है, तो उस केस में ए वेरिएबल को हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज ए की वैल्यू इसके मैप के लिए दूसरी है और इसके मैप के लिए दूसरी है। जैसे हम रो और कॉलम से वेरिएबल्स को
लिखते हैं ना कि कौन से कॉमन वेरिएबल्स हैं, सेम उसी तरह से दोनों केमैप के लिए भी कौन से कॉमन वेरिएबल्स हैं वो हम लिखते हैं। तो ए दोनों के लिए कॉमन नहीं है, एक में ए की वैल्यू ए है और एक में ए बार है, इसलिए ए को नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, और अगर स्टिल किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हम अपनी तरफ से आपको यही कहेंगे कि आप लोग एक बार कॉलेज आ जाइए और फिजिकली इस चीज को समझ लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा के मैप, क्योंकि ये के मैप एक ऐसी चीज है कि ऐसे वर्चुअली जो है समझाना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो वो चीजें जब फिजिकली आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो, और बहुत आसान है बिल्कुल। मतलब ये समझ लीजिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये जितने भी मार्क्स का आएगा वो 100% आपको मार्क्स मिलने ही मिलने, गारंटीड मार्क्स हैं ये आपके। ओके सर, और कोई डाउट हो बताइए, किसी को कुछ है और कुछ? अटेंडेंस जिसकी नहीं लगी है मार्क कर दीजिए चैट बॉक्स में और क्लास लीव कर दीजिए। थैंक यू।